हेलो स्टूडेंट्स, तो राइट नाउ मैं डिस्कस करूंगा एलसीआर सर्किट। ओके, तो इसमें हम लोग जैसे पहले एलआर सर्किट सीआर सर्किट डिस्कस किए ना, तो इसमें आपका तीनों रिएक्टेंट्स होगा। ये वाला तो क्या हुआ, एक्सएल हुआ, ये एक्सी हुआ और ये आर हुआ, ठीक है। ये देखना फ्रीक्वेंसी बेस्ड है, ये भी फ्रीक्वेंसी बेस्ड है, ये फ्रीक्वेंसी इस पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये रजिस्टर रिएक्टेंस है आपका, फ्रीक्वेंसी बेस्ड नहीं होता है। तो इसमें क्या करते हैं, ये एलसीआर सीरीज सर्किट, राइट, एलसीआर सीरीज सर्किट। ओके, तो ये रेजिस्टेंस, ये रिएक्टेंस मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओके, और ये एक्सी अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और एसी सोर्स सप्लाई भी फ्रीक्वेंसी एफ, या भी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हो गया, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वी एल, ये वी सॉरी ये वी आर, ये वी एल और ये वी सी। बस इसमें मेजरली ये ध्यान देना है कि कोई भी कैलकुलेशंस जो है ना, वो सब जितने भी दे आर फेजर्स है ना, अगर आपको जैसे अब जेड निकालना है, जेड मतलब इम्पिडेंस, तो ये आई रेफरेंस, अब इसमें आर, ये एक्सएल और ये एक्सी, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस बन सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक्सएल ग्रेटर है एक्सी से, तो ये एक्सएल माइनस एक्सी, ये आर हो गया, और ये हो गया जेड, तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से वोल्टेज को भी हम रिलेट कर सकते हैं, है ना, ये वी आर, ये वी एल और ये वी सी। अब वी एल ग्रेटर देन वी सी, तो ये वी एल माइनस वी सी और ये वी आर और ये जो रिजल्टेंट वी, तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, तो ये रिलेशनशिप हुआ, ठीक है ना। अब इसमें देखना, ये अगर फाई निकालना है तो टैन फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, ठीक है। वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड, करंट कर रहा है लैग, ठीक है। तो सारा इन्फॉर्मेशन लगभग वही है आपको, पावर फैक्टर कॉस फाई आर बाई जेड, तो आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें अलग अलग ये केस बनता है, अगर आपका एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, तो सर्किट जो होगा इंडक्टिव नेचर का होगा, इंडक्टिव, और अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, तो इसमें सर्किट सॉरी इसमें कैपेसिटिव नेचर का होगा, ठीक है ना, और अगर एक्सएल तो इसमें इंडक्टिव, और अगर एक्सएल और एक्सी सेम हो गया, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो जेड हो गया मिनिमम और ये होगा आर, और प्योर रजिस्टिव हो जाएगा, राइट। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है इसमें आपका एक्सएल एक्सी का, है ना। ये क्या बोलते हैं सर्किट, इसका बोलते हैं इज इन द रेजोनेंस, सर्किट जो है वो इज इन रेजोनेंस, है ना, रेजोनेंस मतलब इस केस में आई मैक्सिमम मिलेगा, पावर ऑफ द सर्किट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, पावर ऑफ सर्किट मैक्सिमम होगा, है ना। और
आई जो होगा आई आर एम एस वी आर एम एस आर हो जाएगा, ठीक है, आर हो जाएगा, है ना। तो रेजोनेंस के लिए क्या रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब ये सर्टेन फ्रीक्वेंसी सप्लाई पर, ये जो आप क्या एफ देंगे कि रेजो होगा, तो इसके लिए एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, तो ओमेगा एल वन बाई ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा इज इक्वल टू वन बाई रूट एल सी, ठीक है ना, आ रही बस समझ में। और ओमेगा वन बाई रूट एल सी, तो टू पाई एफ वन बाई रूट एल सी, तो एफ इज इक्वल टू वन बाई टू पाई अंडर रूट एल सी, राइट। तो ये हो गया आपका रेजोनेंस कंडीशंस के लिए रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी अगर ये सप्लाई करोगे तो आपको ये इंडक्टर कैपेसिटर्स आर होने के बावजूद भी सर्किट क्या हो जाएगा, प्योर रजिस्टिव होगा। इसमें जो ये आप देखो, अगर ये ओमेगा लेते हो और ये आई आर एम एस, तो कुछ इस तरह से आपको, और ये ओमेगा नॉट वन बाई अंडर रूट एल सी, और ये आई आर एम एस का मैक्सिमम वैल्यू होगा, और ये ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, तो इसमें एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल, राइट, और ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तो इसमें एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी, ठीक है, ये केस बनता है आपका। तो ये हमारा हो गया एल सी आर सीरीज सर्किट, एल सी आर सीरीज सर्किट, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें काम करते हैं, ठीक है ना, ओके, थैंक यू।